गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स स्टैंडर्ड 4, मापन भाग 3, धारिता। पिछले वीडियो में हमने मापन भाग 2 में देखा था वजन के विभिन्न इकाइयों का और उनका रूपांतरण करना। आज हम देखेंगे आयतन और धारिता। यहाँ पे एक छोटा सा संवाद है जिसे हम पढ़ते हैं अमित और माँ के बीच में। माँ, 1 लीटर दूध तूने सभी प्यालियों में समान समान भर दिया ना? माँ ने कहा हाँ। अमित पूछता है, प्रत्येक प्याली का दूध कैसे नाप सकते हैं? माँ ने बताया, द्रव पदार्थ 1 लीटर से कम हो तो उसे मिलीलीटर इकाई में नापते हैं। जैसे ये दूध की थैली देखो, इस थैली पर 1 लीटर लिखा गया है, तो 1 लीटर का अर्थ होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर दूध 10 प्यालों में समान रूप में रखें तो प्रत्येक प्याले में 100 मिलीलीटर दूध होगा। ऐसा ही है ना? माँ ने कहा, बिल्कुल सही। मिलीलीटर द्रव का आयतन नापने की पर्याप्त छोटी इकाई है। फिर अमित कहता है, छोटी अर्थात कितनी छोटी? तो यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये है 1 लीटर का माप, उसके बाद है 0.5 लीटर अर्थात 500 मिलीलीटर, फिर है 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर। जैसा कि अभी हमने देखा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 0.5 लीटर हो गया 500 मिलीलीटर और 0.25 लीटर हुआ 500 का आधा अर्थात 200 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर, मतलब 250 मिलीलीटर मिलकर होता है 0.25 लीटर। और अगर 0.25 लीटर की बात होगी तो हमें 0.5 लीटर और 0.5 लीटर मिलाकर 0.25 लीटर होता है अर्थात 750 मिलीलीटर। ये भी द्रव्यमान मापने की अलग अलग इकाइयां हैं जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमें लीटर से मिलीलीटर परिवर्तन करते समय इन बातों का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, 1 लीटर को संक्षेप में सबसे पहले हम लीटर को लीम लिखते हैं और मिलीलीटर को मिली लिखते हैं, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। अब 0.5 लीटर अर्थात 250 मिलीलीटर, 1/4 को हम 0.5 लीटर कहेंगे, इसका मतलब 250 मिलीलीटर। 1 लीटर का 0.5 लीटर होता है 500 मिलीलीटर और 0.25 लीटर अर्थात 3/4, ये 0.5 लीटर और 0.5 लीटर मिलाकर 0.25 लीटर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं 750 मिलीलीटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ स्वाध्याय दिए गए हैं, जैसे कि चौखट में सही संख्याएं लिखो। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर हमने अभी पढ़ा, तो 4 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर? आंसर बहुत ही सीधा सटीक और सरल है, 4000 मिलीलीटर। उसी तरह से यहाँ 2 लीटर बराबर 2×1000 होता है अर्थात 2000 मिलीलीटर। जब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हुआ तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर। उसी तरह से 15 लीटर में 15000 मिलीलीटर। इसके बाद इन सवालों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं ये टेबल। यहाँ पे 1 लीटर का माप पूर्णतः भरने के लिए निम्नलिखित मापों का कितनी बार उपयोग करेंगे ये हमें बताना है। जैसे हमारे पास 200 मिलीलीटर का माप है, तो 1 लीटर होने के लिए हम कितनी बार इस माप से डालेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ लिखा हुआ है 5। इसको हम नोट की सहायता से समझें कि 200 रुपये के कितने नोट होंगे तो 1000 हो जाएगा,
क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो यहाँ पे हो गया 5। अब इसे हम देखेंगे 50 मिलीलीटर का माप है अगर हमारे पास, तो 1 लीटर होने के लिए हम इससे कितनी बार डालें दूध कि वो 1 लीटर हो जाए, तो हमारा आंसर होगा 20 बार। उसके बाद है 100 मिलीलीटर का माप अगर है तो उससे हम कितनी बार दूध को मापेंगे कि वो 1 लीटर हो जाएगा, और आपका आंसर होगा 10 बार। ईजिली आप समझ सकते हैं कि 100 के 10 नोट होंगे तो 1000 हो जाएगा। उसी तरह से 100 मिलीलीटर को हम 10 बार उस माप से मापेंगे तब 1 लीटर होगा। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि यहाँ 100 मिलीलीटर था तो 10 बार मापना पड़ा। आप 100 का आधा 50 मिलीलीटर मतलब दूध की मात्रा और कम हो गई, तो हमें उसके डबल बार मापना पड़ेगा अर्थात 20 बार मापना पड़ेगा। अब है 500 मिलीलीटर, वेरी इजी, कि 500 रुपये के कितने नोट होंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर, इसको हम कितनी बार इस माप से मापेंगे तो 1 लीटर दूध हो जाएगा, और हमारा आंसर है 2। अब हमें इन बातों को ज़रूर ध्यान रखना है कि हमने तीनों वीडियो में लंबाई, वजन और धारिता को कैसे मापा जाता है, इनकी इकाइयों का अध्ययन किया, इनका रूपांतरण कैसे करना है देखा। तो हमें याद रखना है कि मिलीमीटर ये लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी सेंटीमीटर, फिर उससे कई गुना बड़ी मीटर, और सबसे बड़ी इकाई है किलोमीटर। उसके बाद है वजन मापने के लिए ग्राम छोटी इकाई है और किलोग्राम उससे बहुत बड़ी इकाई है। उसके बाद द्रव वाली चीज़ें जैसे दूध, तेल, पानी आदि मापने की छोटी इकाई मिलीलीटर होती है और बड़ी इकाई लीटर होती है। अब हम कुछ सवालों को हल करेंगे, जैसे 3.5 लीटर अर्थात कितने मिलीलीटर। इसके लिए सबसे पहले हमें याद रखना है कि 3.5 अर्थात क्या, तो 3.5 लीटर मतलब 3.5 लीटर, राइट। तो 3 लीटर और आधा मिलीलीटर, 3 लीटर प्लस 500 मिलीलीटर, आधा लीटर अर्थात 500 मिलीलीटर। अब हम इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये अभी लीटर है और ये मिलीलीटर है। जब दोनों पक्ष सेम होता है तब हम जोड़ सकते हैं, जैसे 3 लीटर होता और 500 लीटर होता तो हम जोड़ लेते, पर ये मिलीलीटर है और ये लीटर है। उदाहरण के लिए जैसे मेरे पास 3 सेब है और 5 केले हैं, तो हम जोड़कर उसे क्या कहेंगे, 8 केला या 8 सेब। तो हमेशा सजातीय पक्ष अर्थात दोनों पक्ष सेम होना चाहिए तब हम जोड़ पाते हैं। तो ये लीटर है या मिलीलीटर है, इसलिए सबसे पहले हमें इस लीटर को मिलीलीटर बना लेना होगा। तो 3 लीटर बराबर 3000 मिलीलीटर और ये है 500 मिलीलीटर। अब हम इसको जोड़ सकते हैं, 3500 मिलीलीटर। तो 3.5 लीटर का अर्थ देखिए हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले तो भिन्न के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, 3 से ही 1/2 लीटर। उसके बाद हम अलग अलग लिख सकते हैं, 3 लीटर और 500 मिलीलीटर, और दोनों को ही हम मिलीलीटर पूरा मिलीलीटर में लिखना है तो हमारा आंसर होगा 3500 मिलीलीटर अर्थात 3.5 लीटर। चलिए आगे चलते हैं, 4.25 लीटर अर्थात कितने मिलीलीटर। 4.25 का मतलब होता है पूरा 4 लीटर नहीं, 4 लीटर में 0.25 लीटर कम। तो चलिए देखते हैं, तो 4.25 का अर्थ होता है 3 से ही 3/4 मतलब 3 लीटर पूरा और 0.25 लीटर और। ये हो गया 3 लीटर और 0.25 लीटर। अब हम ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, हमें कोई ना कोई अंक यहाँ पे डालना होगा,
तो 3 लीटर और 3/4 को हम 1/4 लीटर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 लीटर, मतलब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 3 लीटर में कितना हो जाएगा, 3 लीटर अर्थात 3000 मिलीलीटर, और 1/4 लीटर मतलब हुआ 750 मिलीलीटर। अब दोनों पक्ष मिलीलीटर मिलीलीटर हो गए हैं, अब हम इसको जोड़ सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 3700 मिलीलीटर। तो 1/4 लीटर को हम इस अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में देखिए, 3 सही 3/4 लीटर लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1/4। अलग अलग लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3 लीटर और 750 मिलीलीटर। और अगर हमें लीटर को मिलीलीटर हमने पूरा बना दिया तो ये हो जाएगा 3750 मिलीलीटर। अब यदि कोई कहे कि मुझे 3750 मिलीलीटर दूध चाहिए, तो सबसे पहले हमें समझ लेना है कि 3000 इसमें आ चुका है, तो 3000 मिलीलीटर का मतलब ही हो गया 3 लीटर। तो इसका मतलब हुआ 3 लीटर और 750 मिलीलीटर। अब है सवा। पिछले कई वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जहाँ भी सवा लगे उसका मतलब है वहाँ 1/2 लीटर दूध एक्स्ट्रा होता है, या द्रव्यमान में कहें तो 1/2 किलोग्राम एक्स्ट्रा होता है। अब हम देखते हैं सवा क्या है। तो सबसे पहले 1/2 लीटर को आप भिन्न के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, 1 सही 1/4। उसके बाद हम इसे अलग करें तो इसका मतलब होता है 1 लीटर होगा पूरा हमारा और 1/2 लीटर और। तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर और 1/2 लीटर में 250 मिलीलीटर होगा यहाँ पर। तो 1000 और 250 मिलीलीटर, जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1250 मिलीलीटर। तो यदि हमें कोई कहे कि हमें 1250 मिलीलीटर दूध चाहिए, तो हमें तुरंत समझ में आना चाहिए कि 1000 अर्थात 1 लीटर और बाकी जो बचा 250, ये मिलीलीटर अर्थात 1/2 लीटर और, अर्थात 1/2 लीटर दूध मतलब 1250 मिलीलीटर दूध। इसी तरह से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।